नमस्कार, गैप फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका फिर से स्वागत है। चलिए, क्या आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन होल्डर है? क्या आपको ये कंफ्यूजन रहता है कि जीएसटी कब कब और कितना कितना जमा कराना चाहिए? क्या आप जीएसटी में एक रेगुलर डीलर की तरह रजिस्ट्रेशन करा रखा है? तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए आइए, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे कि कब कब और कितना कितना आपको जीएसटी जमा कराना पड़ सकता है। चलिए, तो अपना टॉपिक ही है आज का कि जीएसटी कब कब और कितना कितना जमा कराना पड़ेगा गवर्नमेंट को। चलिए जी, तो ये जो आज का टॉपिक है इसमें बहुत कन्फ्यूजन आ रहा था लोगों के मन में कि लोग ऐसा सोचते हैं कि एज अ बायर कि हमने जब सामान खरीदा है तो उसी टाइम हमने जीएसटी पे करके सामान को लाया हुआ है। तो इस कन्फ्यूजन को भी दूर करना है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं दो लोगों का, एक है एबीसी ट्रेडर्स बायर राइट, और दूसरे हैं हमारे एमएनओ एंटरप्राइजेस सेलर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों के बीच में एक समझौता हो रहा है एक सामान को खरीदने का। तो सबसे पहले एबीसी ट्रेडर्स जो है एमएनओ एंटरप्राइज से सामान खरीद के लेकर आएंगे, उनको जीएसटी भी पे करेंगे और बाद में ये फिर से इस सामान को बेचेंगे। चलिए मान के चलते हैं कि दोनों जो है रेगुलर डीलर की तरह रजिस्ट्रेशन है। अगर कॉम्पोजिशन डीलर की तरह है तो ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। ये वीडियो जो बन रहा है प्योरली वो रेगुलर डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है। चलिए, दोनों एक जगह इकट्ठा होते हैं और उन्हें एक गुड्स परचेज किया है रानी ब्रांड वायल 110 कैरेट से। वो रेट है आपका 2000 रुपया के हिसाब से। मान लेते हैं कि हमारे को ये रेट तय हो गया 2000 रुपया पर टीन के हिसाब से राइट, पर टीन ठीक है। और इस पे मान लेते हैं कि जीएसटी का जो रेट है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का रेट जो है 5%। तो हम लोग सब लोग को मालूम है कि इसका आधा जो है सीजीएसटी 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट को और 2.5% एसजीएसटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगी। चलिए इसी एग्जांपल को आगे हम बढ़ाते हैं कि कैसे ये प्रोसीजर्स होगा, कैसे आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। चलिए आइए देखते हैं, एबीसी ट्रेडर्स ने जब सामान खरीदा एमएनओ एंटरप्राइजेस से तो कैसे सामान लोड हो गया। पहले एक छोटे से व्हीकल पे लोड हो गया रानी ब्रांड वायल 110 और ये सामान जो है एमएनओ के गोदाम से निकल के एबीसी ट्रेडर्स के पास चला आया। चलिए भाई सामान भी ले लीजिए ड्राइवर साहब, सामान को मत छोड़िए। चलिए जी, सामान अपने पास आ चुका है। अब सामान आएगा उसके साथ साथ डिलीवरी नोट्स या बिल इनवॉइस भी आएगा। तो एमएनओ एंटरप्राइजेस ने एक बिल बनाया जो कि एबीसी के नाम से था और उस बिल में सारी डिटेल्स है, उसको भी देखते हैं कैसे कैसे बिल किया और वो बिल को भी एबीसी ट्रेडर्स के पास भेज दिया। चलिए इस बिल का कंटेंट आप देख लीजिए, देखिए ध्यान से देखिए कैसे बिल दिख रहा है आपको कि 2000 रुपये के हिसाब से जो रेट हमने तय किया था 110, तो 100 टीन में 2000 से गुना करेंगे बिल का अमाउंट 2,00,000 रुपया हो गया। उस पर जीएसटी 2.5% और 2.5% राइट। चलिए, तो ये जो बिल इसने किया एमएनओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आउटपुट है आउट सीजीएसटी और एससीएसटी, जबकि एबीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनपुट है। चलिए, तो अब जैसे ही ये पेमेंट का बारी जब आएगा इसका अगर हम डिटेल्स देखें एक बार, तो इस इनवॉइस में क्या क्या डिटेल्स है वो देखिए अपने सामने कि 110 2000 रुपया पर टीन के हिसाब से हमारे को सामान आ रहा है जिसका प्राइस हो गया 2,00,000 और सरकार का टैक्स जो है अलग से 5,000 और 5,000। चलिए अब एबीसी ट्रेडर्स जो पेमेंट करेगा एमएनओ एंटरप्राइजेस को उसका मोड कितना रहेगा, देखिए वो 2,10,000 रुपया पेमेंट करेगा। अब यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो एबीसी ट्रेडर्स है वो अपने प्रोफेशनल के पास जाता है या अपना रिटर्न फाइल करने के लिए जब जाता है तो कहता है कि साहब मैंने जब सामान खरीदा था उसी टाइम तो जीएसटी पे किया था ना अपने होलसेलर को राइट, तो होलसेलर को पे किया, हम भी नहीं मना कर रहे हैं नहीं किया, वो टैक्स पे किया लेकिन सरकार जो है इसको एडवांस टैक्स के रूप में मानती है। लेकिन जैसे ही आप प्रॉफिट उसमें ऐड करोगे तो आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, वो देखते हैं सब हमको कवर अप हो जाएगा। फिलहाल एबीसी ट्रेडर्स ने पेमेंट किया एमएनओ एंटरप्राइजेस को टोटल अमाउंट बिल का 2,10,000 रुपया, जिसका दो एलिमेंट निकल के आ रहा है अपने सामने। पहला है 2,00,000 रुपया जो कि सामान का दाम है और 10,000 रुपया जो टैक्स का है राइट। तो किसने पे किया, एबीसी ने एमएनओ को। अब यहीं से कन्फ्यूजन अराइज होता है लोगों को कि हमने तो टैक्स पे कर दिया, हम भी यही कह रहे हैं कि एबीसी ने ही टैक्स वो पे किया है एमएनओ को और एमएनओ सरकार को जमा कराएगा। चलिए इसको देखते हैं सिस्टम कैसे चलता है जीएसटी में। एबीसी ट्रेडर्स ने जो पेमेंट किया गवर्नमेंट को टैक्स का, ऑब्वियसली पेमेंट किया, जाहिर सी बात है वो पेमेंट किया, लेकिन ये जो 10,000 रुपया जिसमें से 5,000 सीजीएसटी था
और 5000 SGST था वो ABC ने डायरेक्टली सरकार को नहीं जमा किया, वो सरकार को जमा नहीं किया चालान के माध्यम से, जबकि ये कैसे जमा हुआ, MNO एंटरप्राइजेस के थ्रू। यानी कि ये पैसा जो आया वो पहले आया MNO एंटरप्राइजेस के पास और MNO एंटरप्राइजेस अपना हिसाब लगा के फिर सरकार के पास। इसलिए इस GST को लोग आम बोलचाल की भाषा में इनडायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जो टैक्स डायरेक्ट सरकार के पास जमा नहीं हो, राइट। ठीक है, तो एक ये सिस्टम है अपने पास GST जमा करने का। अब यहीं पे कन्फ्यूजन लोगों को अराइज होता है कि ये पैसा जो है हमने GST में जमा तो कर दिया, ऑब्वियसली जमा किया, लेकिन रुकिए ठहरिए, कुछ और भी बातें हैं इसमें, आप वो देखिए। अभी फिलहाल 10,000 रुपया ABC की पॉकेट से ही सरकार के पास गया है, लेकिन बीच में एक मीडिएटर था, बीच में एक अंतर आदमी था जो MNO एंटरप्राइजेस था। अब चलिए, सामान खरीद के आ गया है ABC ट्रेडर्स के गोदाम में, अभी सामान का क्या करेगा, ABC भी किसी न किसी को बेचेगा, लेट सपोज चलिए इसको भी हम सामान बेचवाते हैं। ABC ट्रेडर्स ने उस सामान में से आधा सामान जो है सेल कर दिया, चलिए तो उसने भी एक सेल बनाया। मान लेते हैं मई महीने में इसने सेल किया रानी ब्रांड वायल का जो सामान था उसमें से सेल कर दिया। कितना सेल किया वो देखिए, मान लेते हैं कि 50 टीन इसमें से सेल कर दिया, 50 टीन है और हमारा रेट जो है 2200, 2000 में हमने खरीदा था उसमें प्रॉफिट जोड़ा 200 रुपये का और सेल हमने कर दिया। चलिए तो कुछ ऐसा इनवॉइस बनेगा। अब इस इनवॉइस का जो डिटेल है वो देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो 110,000 रुपया मेरा बेस वैल्यू हो गया और हमारे को टैक्स करना पड़ेगा ABC का, ये आउटपुट टैक्स कर सकते हैं, आउटपुट CGST, ये भी आउटपुट CGST SGST, राइट। तो ये 2750 रेट के हिसाब से वो निकल के आ गया। अब जब कैलकुलेशन की बात होगी ABC के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना सरकार को टैक्स जमा कराना है, देखिए GST ऑन सेल जिसको हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स, मतलब जो हमने अपने ग्राहक से लिया है, ABC ने भी तो ये पैसा वसूला किससे, XYZ से, राइट। तो उससे जो पैसा लिया है कितना लिया है, 2750, लेकिन जब इसने परचेज किया था सामान उस पर टैक्स इसका जमा था 5000 और 5000। और मान लेते हैं इस महीने में केवल एक ही ये बिल है तो हमारे पास जो GST में एडवांस में ही पैसा पड़ा रह गया, तो इस महीने में हमको टैक्स जमा कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए अभी GST हमको क्या करना है, जमा नहीं कराना है, क्योंकि अपना GST अग्रिम में पड़ा हुआ है। और इस महीने के GST को हम लोग बोलते हैं ITC कैरी फॉरवर्ड, मतलब ये एडवांस टैक्स जो है GST का वो आगे के महीने में आप लेके जाएंगे। लेट सपोज दैट जो 50 टीन बचा हुआ था वो माल फिर से बिका अगले महीने में, मान लेते हैं जून महीने में बिका, तो उस केस में भी फिर एक बिल जनरेट होगा। मान लेते हैं ये बिल नंबर हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं 2 और ये 5 मई की जगह 5 जून कर देते हैं, अगले महीने में हो गया, फिर से उतना ही बात, फिर से हमारे पास ये आउटपुट टैक्स बनेगा, आउटपुट राइट। तो हमारे पास अब फिर से कैलकुलेशन जो करना पड़ेगा GST का, अब देखिए फिर से हमारे पास आउटपुट टैक्स कितना बना जो कि सरकार को दे है 2750, जबकि पिछले महीने से हमारे पास उठ के जो GST आ रहा है जो हमने परचेज के टाइम में पे किया हुआ था 2250 और 2250, तो हमारे को GST जो है अब जमा कराना पड़ेगा 5500, क्योंकि अब जो है 2700 जमा कराने हैं और आपके पास ITC पड़ा हुआ है 2250 रुपया। यानी आप सीधे सीधे ऐसा नहीं कह सकते कि आपने जब सामान खरीदा था उस टाइम GST पे कर दिया तो आगे आपको पे नहीं करना है। जी हाँ, पे करना है, और कितना पे करना है, जितना आप प्रॉफिट ऐड करोगे, उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग अगले स्लाइड में। फिलहाल अभी देखिए कि GST 500 रुपया जमा कराना होगा, क्योंकि अपना GST अग्रिम बैलेंस में पड़ा हुआ बैलेंस कम पड़ रहा है 500 रुपया से। चलिए इसको एक समराइज फॉर्म में देखते हैं कि आपका ये परचेज है और ये है आपका सेल का डेटा, राइट। तो परचेज और सेल को ध्यान से अगर कंपेयर करेंगे तो अगर हम परचेज के टाइम में इसको इनपुट बोले इनपुट, और इसको भी हम बोले इनपुट, और ये सेल वाले को बोले हम आउटपुट, और ये भी आउटपुट, राइट। तो इनपुट और आउटपुट का कंपेयर देखिए, हमारे पास 5500 रुपया का आउटपुट है और इनपुट है हमारे पास 500 रुपया का, तो बैलेंस कितना बचा 500 रुपया, 5000 और 5500, तो ये भी 500 500, ये हमको जमा कराना है जो कि प्रीवियस स्लाइड में भी आपने देखा। अब देखिए कैसे निकल के आ रहा है, इसको हम कंपेयर कर देते हैं, 5500 रुपया सेल पे, परचेज पे 5000
5000, आपके पास सीजीएसटी जमा कराना पड़ेगा 500 एंड एसजीएसटी 500। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो एबीसी ट्रेडर्स है उसको भी 5-500 रुपया इस सरकार को अब ये डायरेक्टली चालान के थ्रू जमा करेगी, क्योंकि ये अपने पॉकेट से नहीं दे रही, इसने भी किसी और से सामान पे लिया हुआ है। चलिए हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं प्रॉफिट के थ्रू। सेल्स जो है हमारा 2,20,000 था और परचेज था हमारे पास 2,00,000 रुपया, तो हमारे को प्रॉफिट हुआ कितना 20,000 रुपया। इसी 20,000 पे जो टैक्स का रेट है अगर हम कैलकुलेट करके देखें 2.5% के हिसाब से 500 रुपया, इस 20,000 पे भी एसजीएसटी 2.5% 500 रुपी, तो यही जमा कराना है। तो अब शायद आपके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, आप ऐसा बिल्कुल कतई नहीं सोचे कि एक बार एज ए बायर आपने जब जीएसटी जमा कर दिया था अपने होलसेलर को तो दोबारा आपको जमा नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको जितना प्रॉफिट होगा उतना पे आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों का साल दो साल तक जीएसटी जमा नहीं होता है, वो ऐसा इसलिए होता है कि उनका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है मतलब परचेज जो है वो बढ़ते जाता है इन कंपेयर टू सेल्स। तो वाजिब है, नया अगर बिजनेस आप खोलते हैं तो परचेज ज़्यादा होगा, स्टॉक भी क्रिएट होगा, तो ये सारी सिचुएशन है। चलिए ऐसा ही कुछ वीडियो, नए वीडियो को हम लेके आते रहेंगे। आशा है आपने इस जो जीएसटी का जो आज कॉन्सेप्ट था, हमारे पास जीएसटी कब और कितना कैसे जमा कराना है, ये वीडियो के माध्यम से आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप इस पे एक लाइक बटन दबा दीजिएगा। अगर फिर भी कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछिएगा, यथासंभव उसका उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। और दूसरी बात, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो आए सबसे पहले आपको मिले। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन। गुड बाय।